Welcome to the Q&A of Arpit Daily Vlogs. ये मैं पी रहा हूँ मैंगो पेप्सी. एक रुपए की पेप्सी आसाराम सेक्सी. Very very. चलो अभी स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है सन्नी नायक ब्रो. हे यू आर रियली ऑसम भाई. मेरा क्वेश्चन है कि तुम टाइम कैसे मैनेज कर लेते हो, मतलब स्टडीज, डांसिंग एंड डेली व्लॉग्स और उसमें एडिटिंग वगैरह, इतना टाइम भाई कैसे करता तू? हर रोज हंसाते हो, दिल से थैंक्स. स्टडीज में मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, पढ़ता ही नहीं है. डांसिंग में मतलब मैं एक्चुअली मैनेज करने की बात नहीं है, मैं व्लॉगिंग इस हिसाब से करता हूँ कि जो भी मैं दिन भर में कर रहा हूँ उसके अराउंड ही व्लॉग को क्रिएट करता हूँ. जो भी मेरा आसपास का एनवायरनमेंट है उसी हिसाब से बनाता हूँ. जैसे अगर मैं कहीं पे प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ तो मैं प्रैक्टिस पे ब्लॉग बना लूंगा, तो एक पंथ दो काज हो जाते हैं और ब्लॉग भी बन जाता है और सब कुछ मैनेज भी हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स मी प्रिशा 203. माय क्वेश्चन इज दैट आर यू सिंगल? माय फ्रेंड हैज अ क्रश ऑन यू. अबे तेरे पे भी क्रश है लोगों पे. भाई बहुत गलत चॉइस है. पहली बार पछताएगी, बहुत पछताएगी, बहुत सही में बहुत ज्यादा पछताएगी, बहुत ज्यादा. सिंगल हूँ लेकिन आंसर आप लोगों को मिल गया, पछताएगी. बहुत ज्यादा. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिट्स डम, व्हेन आर यू कमिंग बैक टू कोटा, लेट्स मीट अप पुणे दुरंतो. भाई मैं तेरे को पहचान गया, तू मुझे ट्रेन में मिला था और मैं शायद जून या जुलाई में आ रहा हूँ कोटा वापस से, तो इस बार आता हूँ तो पक्का से मिलते हैं. यो सूर्यांश एस ने पूछा है, भाई मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? तो एक्चुअली हुआ ऐसे कि मेलोडी के पापा और मेलोडी रास्ते से जा रही थी, तो मेलोडी ने पूछा पापा पापा मैं चॉकलेट बन जाऊँ? तो फिर पापा ने कहा नहीं बेटा तू लड़की है, तू चॉकलेट ही बन जा, इसीलिए मेलोडी चॉकलेटी है. नेक्स्ट क्वेश्चन 2048 फ्लोरिना, देयर इज अ हॉट गाय इन योर यस्टरडेज व्लॉग, कैन आई गेट हिज नंबर? सही लांडे. नहीं, हाँ मिलेगा मिलेगा, मैं डीएम करता हूँ इसका नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन, saurabhprajapat.com, हाउ यू एडिट ब्लॉग? Well, one more thing. I just live a 4 kilometer away from you. Let's meet and I also wanna be a part of your shoot. ये बहुत सारे लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा है कि मैं एडिट कैसे करता हूँ. मैं फोन से वीडियो बनाता हूँ और फोन से वीडियो एडिट करता हूँ और मेरे एडिटर का नाम है पावर डायरेक्टर. भाई बिल्कुल मिलते और व्लॉग भी बनाएंगे साथ में, तू बस डीएम कर मुझे. अर्थमश भाई क्या आप मेरे यूट्यूब चैनल के मेंबर बनोगे? साथ में मिलकर वीडियोज बनाएंगे. भाई अभी तक मैंने कोई अच्छा कॉलेब नहीं किया है, मिलते हैं मिलके बनाते हैं भाई, क्यों नहीं बनेंगे. नेक्स्ट ADRYA, भाई एक फुल फ्लैश्ड मल्टीपल कैरेक्टर वाली सीरीज कर सकते हो क्या? डेफिनेटली ये बहुत अच्छा आइडिया है, सही में बहुत अच्छा आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया है. बट अगर हम ये करेंगे भी तो ये हम लोग यूट्यूब के लिए करेंगे, इंस्टाग्राम पे शायद नहीं डालेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड स्टफ ने पूछा है, अरे तू ये व्लॉग कहाँ बनाते हो? तो ये हमारा रूम है, ये देखो ये हमारा स्टूडियो, द वर्ल्ड इज अ कैनवस, यहाँ बनाते हैं. एंड द वर्ल्ड इज अ कैनवस, द वर्ल्ड इज अ स्टूडियो, जहाँ भी जगह मिले हम बना लेते हैं. मिस्टर नोबडी, अर्पित ब्रो वेयर आर यू फ्रॉम? आई लाइक ऑलमोस्ट ऑल ऑफ योर व्लॉग्स, हाउ यू गेट द आइडियाज फॉर द व्लॉग्स? मैं कोटा से हूँ, गुजरात, पुणे, मुंबई, पुणे. आइडियाज ऐसा है कि आपस में एक दूसरे से बात करके और जो भी हम लोग दिन भर में करते हैं सिर्फ हम लोग अपनी आंखें और कान खुला रखते तो उसी से आइडियाज आते. बॉडी तो पूरी ढकते कपड़ों से. सो लोगन X22 ने मेरे लिए क्वेश्चन पूछा है, तो क्वेश्चन इज, माय क्वेश्चन इज टू द क्वेश्चन मार्क फ्रेंड उड़ी बाबा, आप क्यों पैदा हुए? क्या सवाल पूछे, वाह. पहले ये सवाल के लिए तालियां. हाँ, मैं पैदा क्यों हुआ, इसका आंसर है क्योंकि सांस भी कभी बहुत. नेक्स्ट क्वेश्चन, पुजारी सारंग, ब्रदर आई वॉच योर वीडियो आई गॉट हैप्पी बिकॉज योर फेस इज ऑलवेज हैप्पी, सो आई वॉन्ट टू आस्क यू that how you manage to be always happy.
What's your education you're taking and is this busy ever been difficult? अभी ऐसे दोस्त रहेंगे ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो लोग हैप्पी नहीं रहेंगे तो सारे That's the reason I am happy. जब भी मैं कभी sad होता हूँ ना तो मेरा एक main मतलब एक ninja technique है खुद को pump up करने की. तो मैं ऐसे दो मिनट तक करता हूँ उसके बाद मैं थक जाता है उसके बाद मैं happy हो जाता हूँ. मेरी education मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ फिलहाल. इस फ्रेम के अंदर जितने भी लोग बैठे वो सब इंजीनियर हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन रॉ रील्स. माय क्वेश्चन इज सब्जी किसकी बनी है? महीने का एंड आ गया अभी कुछ भी नहीं बनता हमारे. चलो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन. नोबितान 1963 योर इंस्पिरेशन. आपको ये सब आइडियाज कहाँ से आते हैं एंड आप वीडियो कैसे एडिट करते हो? मेरा इंस्पिरेशन हर फील्ड में अलग अलग लोग हैं लेकिन मेन इंस्पिरेशन जो मेरा है वो है ब्रूस ली. तो उसके जितनी फिलॉसफीज वगैरह वो सब मैंने पढ़ी है. फ्रॉम के अमित 541 भाई आपके व्लॉग बहुत अच्छे हैं बट मैं चाहता हूँ आप थोड़े बड़े व्लॉग्स बनाए. आप अपने एक यूट्यूब चैनल बनाए हमारा सपोर्ट आपके साथ है. यूट्यूब चैनल ऑलरेडी हमारा है और उसी पे आप लोग ये वीडियो देख रहे हो. एक्चुअली मेरे पास अभी रिसोर्सेज की कमी है जैसे मेरे पास लैपटॉप नहीं है वीडियो एडिट करने के लिए और टाइम की भी थोड़ी कमी है तो फिर मैं यूट्यूब के लिए बनाना स्टार्ट करूँ. आपको कोई लैपटॉप गिफ्ट करना चाहे तो दे दो. हर्ष कुमार 98 भैया क्या आप हमेशा अपनी डेली वीडियोस डालते रहेंगे? आप अपना यूट्यूब चैनल कब बनाओगे? आपका फ्यूचर प्लान क्या है? आपका पैशन क्या है? आपके सारे वीडियोस में से आपका फेवरेट वीडियो कौन सा है? और मेरी मम्मी का सवाल यह है कि आपको खाने में क्या पसंद है? अभी तो फिलहाल मेरा एम 365 डेज 365 व्लॉग्स है तो पहले मैं वो अचीव कर लूँ उसके बाद मैं आगे का सोचूंगा. और आपका फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर शादी करेगा भाई. 20 फरवरी 2020 मेरी शादी की डेट है जरूर आना. आपका पैशन क्या है? पैशन मेरा एक्चुअली डांसिंग है. व्लॉगिंग और ये सब सेकेंडरी आता है. आपका फेवरेट वीडियो कौन सा है? फेवरेट वीडियो अभी हमने 2-3 दिन पहले डाला है नुस्ता चाय बाय बी यूनिक. उसको बनाने में हमें जितना मजा आया और जितना ज्यादा हमें स्किल्स लगे वो किसी भी वीडियो में नहीं लगे. बहुत ही डिफरेंट वीडियो था. हम दोनों वेजिटेरियन है. मीठा पसंद है. मेरे को तीखा अच्छा लगता है. मैं चिकन भी खाता हूँ. खाना पसंद है. पार्थ एचपी 2001 ने आप कौन से स्टेट से हो भाई? और वो मम्मी भूख लगी खा ले बेटा मूंगफली वाली वीडियो फिर से बनाओ. उसका सेकंड पार्ट भी बनेगा. मैंने उसके ऊपर सोच भी रखा है कि मुझे कैसे बनाना है वो. और मैं राजस्थान से हूँ भाई. एम विवेक 8 से बीच में प्रथमेश और आप एक साथ वीडियो नहीं बना रहे थे क्यों? एक्चुअली क्या हुआ एक दिन क्या हुआ प्रथमेश पॉटी कर रहा था तो इसने बोल इसके पॉटी होने की वजह से मुझे बोला कि भाई धो दे. तो मैंने कहा नहीं दूंगा. तो इसने बोला भाई धो दे. मैंने कहा नहीं दूंगा. तो ये नाराज हो गया और चला गया. इस वजह से हम दोनों वीडियो नहीं बना रहे थे. अभी तक मैंने वो पॉटी धोई नहीं. मजाक कर रहा हूं, मजाक कर रहा हूं. तुम्हारी इंजीनियरिंग कौन सी फील्ड है? कंप्यूटर. ENTC कंप्यूटर. इट्स मी करण. मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी एक्टिंग इतनी शानदार है तो आप इससे ज्यादा गद्दी एक्टिंग तूने मतलब हमने कभी नहीं देखी. मैं सबसे बेस्ट एक्टर हूँ इसमें. मैंने डांसिंग 2010 में स्टार्ट करी और मैं लिरिकल नहीं करता हूँ. मेरी स्टाइल एक्चुअली ब्रेकिंग है लेकिन जब मैं ऐसे परफॉर्म करता हूँ या फिर किसी सॉन्ग पे फील करता हूँ तो मुझे भी नहीं पता मेरी स्टाइल क्या है. किट्टू पटेल. मुझे भी एक्टिंग पसंद है बट मैं आगे नहीं आ पा रहा हूँ. जब तक तू आगे नहीं आएगा तब तक तू आग नहीं बनेगा भाई. देखो आगे तो आना पड़ेगा. और आप कहाँ रहते हो भाई? मैं तेरे दिल में रहता हूँ. क्या आप मुझे कुछ सिखा सकते हो? बिल्कुल भाई. देखिए मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं सिखाने को लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी प्रोफेशनल एक्टर्स बैठे हुए तो ये लोग सिखा सकते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिनंदन पांडे 1248 का. भैया आप इतने टैलेंटेड हो आपकी जीएफ तो होगी. ओके आपकी जीएफ तो होगी. पर्सनल क्वेश्चन. और आपकी इतनी अच्छी डांस का इंस्पिरेशन कौन है? ओके पहला ऐसा गर्लफ्रेंड. मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है. हो भी नहीं सकती. पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मैं स्मार्ट की जगह स्मार्ट हूँ. सेंस ऑफ ह्यूमर की जगह सेंस ऑफ ह्यूमर है. और हाइट
भी अच्छी बॉडी भी है, सिक्स पैक है, सब अच्छा है। गर्लफ्रेंड इसलिए नहीं बनती क्योंकि 13 आएंगी 17 जाएंगी, मेरी वाली तो मेरी मम्मी लाएंगी। क्या बात है, आप भी ताली बजाना। आंटी 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 मेरी डांस का इंस्पिरेशन बी बॉय क्लाउड, जिसको मैं जब से मैंने डांस स्टार्ट किया तब से फॉलो किया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, वो क्वेश्चन है दोगे दोगे देते इसको, ले चलो ले बाजू में ले इसको बाजू में ले, दे 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 दिया दे दिया दे दिया। मिस्टर अवतार सिंह 96, प्लीज स्टार्ट योर चैनल ऑन YouTube, वी लव योर व्लॉग्स। और थैंक यू भाई व्लॉग्स के लिए, YouTube पे भी आऊंगा, आएंगे जल्दी। फ्रॉम बीइंग मनन, व्हाट मेड यू स्टार्ट दिस व्लॉग, व्हाट इंस्पायर्स यू टू डू दिस, एंड हाउ यू गेट इंस्पिरेशन एवरी डे टू डू दिस, एंड हैव यू फेल्ट दैट कि अब और नहीं करना, बट हाउ यू गेट मोटिवेटेड टू दिस, योर हार्ड वर्क विल वन डे पे ऑफ, यू आर ऑसम, लव फ्रॉम मुंबई। लव यू फ्रॉम पुणे ऑल्सो ब्रो। स्टार्ट एक्चुअली बहुत रैंडमली किया था, अर्पित डेली व्लॉग्स बनाने से पहले 15 सेकंड के रोज वीडियो अपने प्रोफाइल पे डालता था, अर्पित 10 जो मेरा पर्सनल अकाउंट है उसके ऊपर डालता था, और रोज स्टोरी पे डालता था। तो ये चीज मैंने 30 डेज तक करी थी, और मैं कुछ भी डालता था, कुछ भी मतलब टाइम लैप्स कुछ भी डालता था, लेकिन मैं 30 डेज तक रेगुलर था। तो उसके बाद प्रशोभ नाम के एक बंदे ने मुझे सजेस्ट किया कि अर्पित डेली व्लॉग्स करके एक चैनल बना, कुछ भी मतलब एक चैनल बना जिसके ऊपर तू पोस्ट कर सके। तो उसके बाद मैंने पोस्ट करना स्टार्ट किया और ये चैनल बन गया। तो बहुत रैंडमली स्टार्ट किया था मैंने, कभी कभी मुझे लगता है कि आज कुछ शूट करने का मन नहीं है, या फिर डाउन फील होता है क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता, तो उस दिन मैं ये चीज़ करता हूँ। पार्थ पी, मम्मी मम्मी भूख लगी वाला वीडियो बनाओ ना यार, बनाएंगे भाई, वापस से बनाऊंगा पक्का पक्का। बी बॉय डैश से पॉडकास्ट मतलब क्या है, अरे भाई पॉडकास्ट यार, एआई भी नहीं देखा क्या कभी, एआई भी पॉडकास्ट वही वैसे ही मतलब ऐसे पॉडकास्ट। हर्ष कुमार 98 का, मैं जानना चाहता हूं कि आप वीडियो बनाने के अलावा और क्या क्या करते हैं, आपका ड्रीम क्या है, आप अपने आप को नेक्स्ट 5 ईयर के बाद कहां देखना चाहते हैं, आपको नौकरी या बिजनेस किस में इंटरेस्ट है, आपकी फैमिली में कौन कौन है, आपका इंस्पिरेशन कौन है, आपका फेवरेट वाइनर कौन है, और एक लास्ट, अगर मैं आपसे मिलना चाहूँ तो आप मिलोगे, आई लव यू भैया बिकॉज आपकी वीडियोस देखने के लिए मम्मी पापा रोज परेशान रहते हैं, वी लव यू सो मच भैया। वीडियो बनाने के अलावा मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, और मैं डांसिंग करता हूँ, और मैं सिंगिंग भी बहुत अच्छी करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरा ड्रीम क्या है, एक्चुअली मेरा ड्रीम रोज रात को लगाते नेक्स्ट 5 ईयर के बाद, पहले तो मैं खुद को इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हुए देखना चाहता हूँ, और दूसरा मैं नेक्स्ट 5 ईयर में भी मुझको आपके दिल में देखना चाहता हूँ। तो आपको नौकरी या बिजनेस किस में इंटरेस्ट, किस में फैमिली में कौन कौन है, मम्मी पापा दो बड़ी बहनें जिनकी शादी हो गई है, और अर्पित डेली व्लॉग्स के लोग। आप मिलोगे क्यों नहीं भाई, मिलूंगा। आपका फेवरेट वाइनर कौन है, लोगन पॉल। अर्नव बालेराव 1234, हाय दादा, आई एम अर्नव, फ्रॉम विच एप्लीकेशन डू यू एडिट योर वीडियोस, पावर डायरेक्टर। टेबल टेनिस स्किल्स से आप डांस कब से कर रहे हैं, 2010 मतलब अभी हो गए 8 साल, और हम सब लोग डांसर्स हैं। मासूम शिशु, व्हाट डू यू डू रादर देन मेकिंग वीडियोस, रादर देन मेकिंग वीडियोस मैं डांसिंग करता हूँ, और डांसिंग से रिलेटेड मेरे पास एक फैमिली है आउटलॉ स्क्रू करके, जिसमें से अभी 1, 2, 3 मेंबर यहाँ पे बैठे हुए हैं आउटलॉ स्क्रू के। ओम 0901, फ्रॉम विच इंजीनियरिंग फील्ड आर यू फ्रॉम, कंप्यूटर, विच ऐप यू यूज फॉर एडिटिंग, फॉर क्यूएनए। ब्रैथवा, क्या कर रहा है, कौन से कॉलेज में है, कौन से ईयर में है, इफ इंजीनियरिंग तो कौन सी ब्रांच, एंड प्रॉपर कहाँ का है, एंड व्लॉग में नाम ले लेना, ओमी नाम है। मैं राजस्थान से हूँ, सॉफ्टवेयर हाँ कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। हाय ओमी, हाय ओमी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेजी राठौड़ का, इसका क्वेश्चन है, भाई रोज नए आइडिया लाने में कितने प्रॉब्लम होते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, नया आइडियाज लाने में
कभी कभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि कुछ आइडिया आता ही नहीं, कुछ इंस्पिरेशन दिन भर में होती नहीं. कभी कभी ऐसा होता है कि मैं इनमें से किसी भी इंसान से नहीं मिल पाता हूँ, या फिर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ या फिर मैं ट्रेन में हूँ, तब आइडियाज की बहुत प्रॉब्लम होती है. लेकिन कैसे ना कैसे करके काम चल ही जाता है. कैलोस गैलेट्स, माय क्वेश्चन फॉर क्यूएनए व्लॉग इज, जो आप लोगों ने इस वीडियो मतलब आलसी हो तुम वाला वीडियो करा है, आई एम डैम श्योर कि ये आप लोगों का डेली रूटीन ही होगा. सही पकड़ा है. बिल्कुल सही ब्रो, बिल्कुल सही. मतलब ये बंदा इतना ज्यादा आलसी है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, सीरियसली बहुत आलसी लगा. एंड क्वेश्चन, एनी प्लान्स टू कम झारखंड इन फ्यूचर और वेन एवर? देख भाई, तू बुलाएगा घर पे रहने को, रुकाएगा तो बिल्कुल आ रहा हूँ. सबको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो सब लोग आएंगे. ये लेट्स गो टू झारखंड, रियल रॉक स्टार. ओके, सो हियर इज माई क्वेश्चन. Actually, I want to know that from where you guys got the idea of making wines, and yeah, are you guys friends from childhood or something like else? So, आपको जैसे बताया कि ये इसने पहले ही बोला कि ये बनाता था पहले भी ऐसे wines, and friends नहीं, childhood से नहीं है, सब college friends हम लोग, सब यहीं पर आके मिले हैं. So, ये around 3-4 साल की friendship है सबकी. So, ये 3-4 साल में फ्रेंडशिप, लेकिन अभी फ्रेंड्स नहीं है भाई, अब फ्रेंड्स नहीं है भाई, एक फैमिली है. ये विनीत पवार वीएम से, और इसका क्वेश्चन है कि माय क्वेश्चन इज, प्रथमेश जामकर भी डांस करता है क्या, एंड इफ यस देन उसका एक आध वीडियो पोस्ट कर देगा क्या? प्रथमेश भी बहुत अच्छा डांसर है, ये पॉपिंग करता है, और डेफिनेटली इसका वीडियो भी डालूंगा. और इसका, हाँ, इसके इंस्टाग्राम पेज पे इसके खूब सारे वीडियोज है, और डेफिनेटली मैं इस पे पोस्ट करूंगा. Hey guys, थोड़े से क्वेश्चन रह गए थे, 2 या 3 क्वेश्चन बचे हैं. तो एक्चुअली क्या हुआ कि हम लोगों ने पहले वीडियो शूट कर लिया था, और ये क्वेश्चंस उसके थोड़े से देर बाद आए, तो मैं उन क्वेश्चंस को अभी ले रहा हूँ. तो उसमें से पहला क्वेश्चन पूछा है कुणाल आडे ने, बींग एज ए नॉर्मल पर्सन टू बींग व्लॉग मेकर, हाउ मच दीज थिंग्स किंड अफेक्ट और चेंज योर लाइफ पॉजिटिवली एज वेल एज नेगेटिवली? तो ऑफ कोर्स व्लॉग ने मेरी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस किए, अगर बोला जाए तो पॉजिटिवली बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए. क्योंकि इसको करने से पहले मैं कुछ भी नहीं करता था, सिंपल प्रैक्टिस करता था और नॉर्मल दिन निकलता था मेरा. लेकिन जब से मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, उसके बाद से मैं हर दिन कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव कर रहा हूँ. और दूसरी बात, इसकी वजह से मेरे जो फ्रेंड्स के साथ मेरी रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई है, क्योंकि हम लोग आए दिन मिलते हैं. और तीसरी बात, व्लॉगिंग की वजह से मैं अपना लाइफ का हर दिन गिन रहा हूँ. जब भी मैं नीचे कैप्शन में डालता हूँ day 196, day 197, तो उसका मतलब ये है कि मैं हर दिन मेरी लाइफ का गिन रहा हूँ. हर दिन मुझे पता है कि मैंने क्या किया है, और वो एज ए मेमोरी सेव हो रहा है मेरी लाइफ में. और नेगेटिवली इफेक्ट ये है कि कुछ चीज़ें मुझे सेक्रीफाइस करनी पड़ती है. लाइक हम लोग रात को मूवी को जा रहे हैं, लेकिन उसी टाइम मुझे एडिट करना है, तो मैं उसको कैंसिल करना पड़ता है मुझे. या फिर मेरा किसी पुराने दोस्त का कॉल आया है और उसी टाइम पे मैं व्लॉग बना रहा हूँ, तो मुझे उसका फ़ोन इग्नोर करना पड़ता है. तो बस यही नेगेटिव इफेक्ट है कि कुछ चीज़ों को मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ता है. सेकेंड क्वेश्चन भेजा है आपका अपना आदित्य ने वीडियो के थ्रू, वो है ये. हाय अर्पित भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेस फॉर योर 200 व्लॉग्स. मेरा क्वेश्चन पहला ये है, व्लॉग नंबर 132 में एक कैरेक्टर है, वो तू रोके दर. आई वॉन्ट यू टू ब्रिंग दैट कैरेक्टर इन योर नेक्स्ट व्लॉग. थैंक्स भाई, मुझे अच्छा लगा तुझे वाला कैरेक्टर पसंद आया और वीडियोज भी पसंद आए, तो यस डेफिनेटली लेके आएंगे उस बंदे को वापस से, उस कैरेक्टर को वापस से. नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, वो भी एक वीडियो है, आई एम परितोष आनंद, परितोष भाई ने भेजा है, ये रहा. अरे फर्स्टली ब्रो, कंग्रेचुलेशंस, 200 व्लॉग्स, दैट इज अ बिग अचीवमेंट, एंड यू डूइंग इट एवरी सिंगल डे. I'm a content creator for YouTube myself. I know how difficult it is. And my question for you is, how do you manage it? How do you manage to keep yourself motivated every single day? That is my question. First of all, thank you so much, bhai, videos dekhne ke liye, appreciate karne ke liye. Aur main khud ko kaise motivate rakhta hu? Jab bhi main subah uthta hu aur apna phone khol ke dekhta hu, to uske niche comments rehte hain, nahi to messages rehte hain mujhe, jisme likha rehta hai ki
बहुत सारा अप्रिसिएशन रहता है, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स रहते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स रहते हैं, तो मैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ। सेकंड चीज़, जिन लोगों से मैं इंस्पायर होता हूँ, कभी कभी उन्हीं लोगों के मुझे मैसेजेस या फिर लाइक्स आते हैं वीडियो पे। जैसे अभी रिसेंटली बी यूनिक का आया, मेरे कुछ टीचर्स भी मेरे वीडियो देखते हैं, मेरी माँ के रोज़ कमेंट आते हैं, तो वो चीज़ ही मुझे मोटिवेट रखती है। सो दिस इज़ द मोटिवेशन फॉर मी। तो अगर हमारा पहला Q&A था तो हमें भी नहीं पता ये कैसा बना है, तो अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करो और इंस्टाग्राम पे Arpit Daily Vlogs को फॉलो करो। हम लोग बहुत जल्दी यूट्यूब पे भी आएंगे और यूट्यूब पे आके धमाल मचाएंगे ये। आपकी वजह से इंस्पिरेशन मिलता है तो सपोर्ट करो, शेयर करो वीडियोस अगर आपको पसंद आते हो तो। और गाइस थैंक यू सो मच हमारी बातें सुनने के लिए और इतना प्यार करने के लिए, इतने सवाल पूछने के लिए, हाँ, और क्वेश्चंस स्पेशली भेजने के लिए। और जितने भी लोग यहाँ पे अभी मौजूद नहीं है, जो लोग मेरे वीडियोस में आए उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, तुम लोगों की वजह से आज मैं 200 पे पहुंचा हूँ, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे खुद को नहीं बिलीव होता कि मैंने ऐसा कुछ क्या किया क्या। थैंक यू सो मच गाइज, और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, बेल आइकन भी दबा दो और इंस्टाग्राम पे Arpit Daily Vlogs को फॉलो करो। हाँ हो गया, हो गया, ओके ओके, आप कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, हो गया, वो बोल दिया, ओके, थैंक यू सो मच, ओके, बाय।